So, hello everyone, my name is Tanvi Goyal and my channel's name is Neat with Tanvi. In today's video, we'll be discussing कि आप 12th में होते हुए 11th के backlogs कैसे cover करने वाले हो. तो अभी आप 12th में हो, अभी Feb March approx में boards आ जाते हैं and May में आपका NEET आ जाता है. तो अब आपके पास बहुत ज्यादा time नहीं बचा. You have limited duration of time and इस time के अंदर आपको 12th तो करनी ही करनी है, साथ में आपको अपने 11th के backlogs भी cover करने हैं. अब आप वो बच्चे हो जिसके backlogs हैं 11th के. अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने सारी 11th अच्छे से कर ली होगी, ठीक है, जिनके एकदम 11th परफेक्ट होगी. अब वो अपना एकदम स्मूथली 12th को भी कर रहे हैं. तो अब आपको इन बच्चों से कॉम्पीट करना है जिन्होंने अपनी 11th बहुत अच्छे से कर रखी है. तो अब आपको किन किन चीजों को अपने माइंड में रखना है जिससे कि आपका बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर आए एंड नीट में भी आपका 650 प्लस स्कोर आए नीट 2025 में. तो देखो, सबसे पहली चीज जो है वो आ जाती है आपका चेंज इन माइंडसेट. अब क्या है, अभी तक आप स्कूल आपकी स्कूलिंग में क्या होता था कि आपकी एक क्लास है उसको आपको एक साल मिलता है, ठीक है. नाइन्थ है एक साल मिला, टेंथ है एक साल मिला, इलेवेंथ है एक साल मिला. तो आपके माइंड में क्या चीज है कि यार इलेवेंथ के लिए एक साल मिलता है वो तो मेरा वेस्ट हो गया, अब ट्वेल्थ के लिए एक साल मिला है तो इसके अंदर तो मैं ट्वेल्थ ही कर पाऊंगा ना, मैं इलेवेंथ कैसे कर पाऊंगा. बट आपको इस चीज को अपने माइंड से निकालना है, क्योंकि मैंने खुद अपना नीट का जो सिलेबस है वो 7 to 8 months में ही किया था. तो आपको सबसे पहले इस चीज को अपने माइंड से निकालना है कि 11th एंड 12th के लिए इंडिविजुअली एक एक साल मिलता है, तो इन टोटल 11th एंड 12th आप तभी कर पाओगे जब आपको 2 साल मिले. इस चीज को आपको अपने दिमाग से निकालना है. अब आपको क्या ट्रीट करना है, 11th एंड 12th को ट्रीट करना है अपना एक सेट ऑफ बुक्स जो आपको नीट क्लियर कराएगा. तो अब 11th एंड 12th को भूल जाओ, अब ये देखो कि ये आपका नीट का सिलेबस है एंड इतने नीट के सिलेबस को आप एक साल में कर सकते हो, 7-8 months में कर सकते हो. तो पहले अपना माइंड सेट चेंज करो, क्योंकि जब तक आप ये सोचते रहोगे ना कि 11th का अलग एक साल होता है, 12th का अलग एक साल होता है, बहुत डीमोटिवेटेड फील करते रहोगे एंड कुछ नहीं होगा. अब जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद आता है कि अब अगेन आपको उन बच्चों से कॉम्पीट करना है जिन्होंने 11th कर रखी है. तो अब आपको 11th भी करनी है, तो आपको किस चीज को इंश्योर करना है कि आपके 12th के बैकलॉग्स ना बने. आपका एक सिंगल भी 12th का बैकलॉग नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 11th है. एंड अगर एक चीज मैं आपके माइंड में डाल दूं तो वो ये है कि 12th इज वे मोर इजियर देन 11th, बहुत ईजी है 12th. तो अब यहाँ पे दो तरीके के बच्चे आ जाते हैं, एक वो जिनकी 11th में ऐसा कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है, वही रहते हैं, उनको वो करना है. एक बच्चे होते हैं जिनको कुछ नहीं आता है 11th का, वो जस्ट पास हुए हैं किसी तरह स्कूल एग्जाम्स में. तो अगर हम पहले कैटेगरी 2 के बच्चों की बात करें तो इनके लिए बैकलॉग्स क्लियर करना, कवर अप करना बहुत इजी होता है, क्योंकि इनके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, वो ये कर लेंगे कवर 12th के साथ साथ, ठीक है. तो इनके लिए बहुत ईजी होता है. एंड अगर हम इन बच्चों की बात करें तो देखो, अब क्योंकि अगेन आपको उनके साथ कॉम्पीट करना है जो 11th ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, अपने माइंड में अपना कॉम्पिटिशन रखो. अब तो आपको दिन में 12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, इन इसमें से आप 8 आवर्स निकालो अपने 12th के लिए एंड 4 आवर्स निकालो अपने 11th के लिए. 11th के लिए हम यहाँ पे 4 आवर्स इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आपके आपके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स ही रहते हैं, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. बट वो जो बच्चे हैं जिनको 11th में कुछ नहीं आता, उनको क्या करना पड़ेगा, अब 12th को थोड़ा कम टाइम देना पड़ेगा, 11th को थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा. तो या तो आप इक्वली डिवाइड कर लो, 6-6 आवर्स कर लो, या तो आप 12th को 4 आवर्स दे दो एंड 11th को 8 आवर्स दे दो, क्योंकि अगेन 11th डिफिकल्ट है, ठीक है. या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपसे एक ही दिन में 11th एंड 12th दोनों नहीं होती तो आप कर सकते हो ऑल्टरनेट, कि आप एक दिन 11th कर रहे हो, एक दिन 12th कर रहे हो, अगेन एक दिन 11th कर रहे हो, तो ऐसे आप ऑल्टरनेट कर सकते हो. तो आप पैटर्न कोई भी फॉलो करो, आप एक चीज को माइंड में रखना है और वो ये है कि जिस दिन आप 11th का डिफिकल्ट चैप्टर कर रहे हो तो आप 12th का इजी टारगेट करोगे, एंड जब आप 12th का डिफिकल्ट कर रहे हो तो आप 11th का इजी टारगेट करोगे. इससे क्या है कि आपके ब्रेन को भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा, एंड अगर डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीजें कर रहे हो, नहीं हुई मान लो, तो आप अगेन डिप्रेस हो जाओगे. तो इस चीज को ध्यान रखना है. अब यहाँ पे बच्चे कुछ कॉमेंट करेंगे कि हम तो दीदी कोचिंग जाते हैं, अब हम तो निकाल नहीं सकते 12 घंटे की सेल्फ स्टडी, हमारी तो 6 घंटे की कोचिंग है, अब हम क्या करें. तो उनके लिए मैं ये कहूंगी कि आपके 6 घंटे की कोचिंग है, ठीक है, उसके बाद आप ये भी सोचना चाहोगे कि हाँ आपको स्कूल भी जाना है. तो देखो, वो जो चीज है उनको अब आपको बैलेंस करना पड़ेगा. आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप 8 घंटे स्कूल जा रहे हो, उसके बाद आप 6 घंटे कोचिंग भी जा रहे हो, उसके बाद आप सोच रहे हो 11th के बैकलॉग्स भी कवर कर लो. तो अभी यहाँ पे आपका स्कूल कॉम्प्रोमाइज होगा. मेरी भी स्कूल में अटेंडेंस कम ही रहती थी, ठीक है, एंड कोचिंग मैंने आज सच अटेंड करी नहीं, तो मेरा तो सेल्फ स्टडी में ही रहता था पूरा टाइम. तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर आपकी 6 घंटे की कोचिंग है, ठीक है, स्कूल अब छोड़ दो, ठीक है, स्कूल नहीं जाना अब, ठीक है, तो आपकी 6 घंटे की कोचिंग है, अब आप क्या करोगे कि जो बाकी का आपका 6 घंटा है
उसमें से आप 4 घंटे करोगे 11th एंड 2 घंटे करोगे 12th. अब 12th को हम 2 घंटा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कोचिंग में 6 घंटा भी आप 12th ही पढ़ के आ रहे हो. अब आपको ट्राई करना पड़ेगा कि आप मैक्सिमम चीजें 12th की अपनी कोचिंग में ही अब्जॉर्ब कर लो. घर आके 2 घंटा आपने क्विक रिविजन करी, 4 आवर्स यू आर गिविंग टू 11th के बैकलॉग्स. ठीक है, ये चीज कवर अप हो गई. अब अगर आप अभी भी डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो मैं आपको तीसरी चीज ये कहूंगी कि भाई आप अभी फिर भी 12th में हो. ठीक है, आप ड्रॉपर्स को देखो. ठीक है, 12th के बाद अगर किसी ने एकदम ड्रॉप लिया है तो आप उसको देखो. उसको अब उसी एक साल के अंदर 11th एंड 12th दोनों करनी है. आपकी तो फिर भी अभी 12th ऑनगोइंग है. ठीक है, उन्होंने तो अलग से एक साल लिया है जिसके अंदर वो 11th एंड 12th दोनों करने वाले हैं. तो अगर एक ड्रॉपर जो है वो 7 से 8 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर सकता है तो क्या आप 12th में होते हुए 11th का सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते? देखो, स्कूल तो मैं प्रेफर करूंगी आप डमी स्कूल ही रखो. डमी स्कूल नहीं कर सकते तो मत जाओ स्कूल. ठीक है, स्कूल वाले सुन लेते हैं, अपने पेरेंट्स को भेजो स्कूल में, स्कूल वाले मान जाएंगे. ठीक है, वो भी नहीं चाहते कि आप लोगों का फ्यूचर खराब हो. ठीक है, सिर्फ इस वजह से. तो आई वुड से कि पहले तो आप डीमोटिवेटेड फील करना बंद करो. आप लोगों ने अपने दिमाग में जो बना लिए है ना एक्सक्यूजेस, उनको निकालो एंड फिर आप बैकलॉग्स कवर कर पाओगे. ठीक है, इतना कुछ नहीं होता, यू जस्ट हैव टू डिवाइड योर टाइम. तो आई थिंक सो दैट आई हैव ट्राइड टू कवर अप योर डाउट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक इन दिस वीडियो. एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ हु आर गोइंग टू गिव नीट इन कमिंग ईयर्स. थैंक यू.